ये देखिए आप, ये देखिए तार, मेरा स्पीडोमीटर का कार्ड दिया इन लोगों ने, कुत्तों ने, और एकदम अलग है। अब मुझे इसको भी बनवाने जाना पड़ेगा। वाटर क्रॉसिंग, लद्दाख नहीं जा सके तो यहीं पे वाटर क्रॉसिंग कर लें अपनी। हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल गाइस आर डूइंग गुड। सो आज आपने देख ही लिया थंबनेल में। आज मैं आपके लिए व्लॉग लेके आ रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ साइट पे, एक अर्जेंट कॉल आ गई थी जिसकी वजह से साइट विजिट पे मुझे जाना पड़ेगा। बहुत से लोग हैं जिनको नहीं मालूम है कि मैं आर्किटेक्ट भी हूँ। मेरे चैनल से, वैसे नाम से आपको मालूम पड़ ही गया होगा, आर्किटेक्ट ऑन व्हील्स, बट मैंने कहा सोचूं मैं आपको बता दूँ। आज मैं लेके जा रहा हूँ आपको साइट पे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। प्लस एक हमारी क्लाइंट भी आ रही हैं, उनका प्लॉट का भी हमें मेज़रमेंट करना है। चलते हैं साथ में, और दीपांशु भी आ रहा है साथ में। दीपांशु को पहले लेने जाएंगे, फिर दीपांशु को उठा के फिर हम लोग जाएंगे साइड पे, फिर आपको हम दो साइड ले चलेंगे। एक GID जो कि छठा मिल क्रॉसिंग पे पड़ती है, सीतापुर रोड पे। चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। सो गाइस, हम लोग फाइनली निकल चुके हैं। अर्जेंट कॉल आ गई थी एक साइड पे जाने की, तो साइड पे निकल रहे हैं। बेसिकली बहुत से लोगों को नहीं मालूम होगा कि मैं आर्किटेक्ट भी हूँ, तो साइड पे मुझे साइड विजिट पे जाना पड़ता है लोगों के पास, और कॉन्ट्रैक्टर वगैरह हैं, और एक नई साइड भी हम लोग को आज मेज़रमेंट करने के लिए जाना है। दीपांशु साथ में जा रहा है मेरे, और देवेंद्र संदीप तो आउट ऑफ स्टेशन है तो वो लोग जा नहीं सकते हैं। आज मैं ही जा रहा हूँ दीपांशु को लेके। सोचा आप लोगों के लिए एक व्लॉग भी बना लिया जाए। व्लॉग भी बना लेंगे साथ ही साथ में। और ये ग्लव्स मैंने अभी कुछ दिनों पहले मंगाया था, तो इसकी वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी हो तो आप लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। बहुत ही कम्फर्टेबल ग्लव्स हैं, और इससे अच्छे ग्लव्स आपको मिलेंगे भी राइडा में। इस रेंज में सबसे बढ़िया ग्लव्स बनाता है, क्योंकि इसमें प्रोटेक्शन इतने सारे हैं कि आप क्या बताएं आपको, जो कि मैंने वीडियो में दे रखा है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ दीपांशु को लेने के लिए। वहीं पे जाके ही आपसे मिलेंगे सीधे। फाइनली गाइस, हम लोगों ने दीपांशु को ले लिया है। अब सब निकलते हैं सीधे साइड पे GID, फिर मैं आपको डायरेक्ट वहीं पे साइड पे मिलता हूँ। उससे पहले एक हमारी क्लाइंट है, वो भी आ रही हैं। उनका भी प्लॉट वहीं पर है, तो वहाँ पर पहले मेज़रमेंट करेंगे, फिर आपको GID ले के चलेंगे। दीपांशु साथ में जा ही रहा है मेरे। गाइस, अभी मैं जा रहा था तो मैंने नोटिस किया कि मेरे मीटर में इंजन का साइन आ रहा है। फिर मैंने चेक किया कि देखा स्पीडोमीटर भी नहीं चल रहा है मेरा, स्पीडोमीटर भी लग रहा है ख़राब हो गया। फिर मैंने नीचे चेक किया तो देखा यहाँ के किसी ने तार काट रखी है, शायद कुत्तों वत्तों ने शायद तार काट दिया, जो बाहर बैठे रहते हैं मेरे घर के, नुकसान ही नुकसान करते हैं। ऐसे ही मेरी अपाचे का भी इन लोगों ने नीचे से फेंडर काट दिया था। अब इसको पहले साइड पे होके आते हैं, फिर इसको दिखवाते हैं कि गाइस, हम लोग अभी छठा मील चौराहे पहुंचने वाले हैं, तो जो हमारी क्लाइंट है वो यहीं पे आएंगी। उनका वेट कर रहे हैं अभी छठा मिल चौराहे पे। छठा मिल के लिए यहीं से लेफ्ट ले लेते हैं, चौराहे में भीड़ होगी। ये है हमारा छठा मिल चौराहा। बगल में ही यहाँ पे फायर ब्रिगेड का पूरा फायर स्टेशन है। ये देखिए फायर स्टेशन पूरा यहाँ पे बना हुआ है, इसी के बगल से ही मोड़ जाती है छठा मिल के लिए। हम लोग यहीं पर वेट करते हैं उनका कॉर्नर पर कहीं पर रुक के, क्योंकि वो यहीं पे मिलेंगी, फिर इसके बाद हम लोग को अंदर जाना है सीधे। फाइनली गाइस, क्लाइंट आ गए हैं तो ये हम लोग को लेके जा रही हैं साइड पे। हम लोग इनके पीछे पे चल रहे हैं साइड देखने के लिए। और ये देखिए ऑफ राइडिंग के मज़े, मेटियोर में पहली ऑफ राइडिंग। ऐसी गलियों से जाना होता है, इसीलिए मैं अपनी कार लेके नहीं आता हूँ, बाइक ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि कहाँ पे
कार चली जाए ना जाए कुछ भरोसा नहीं होता है। सो बाइक होती है तो आप कहीं भी ले जा सकते हैं। सो यही एडवांटेज रहता है बाइक का। सो इनके साइड वगैरह मेज़रमेंट करनी है या फिर इनके पूरे प्लान्स बनवाने हैं। सो आए हैं हम लोग और ये छोटी सी वाटर क्रॉसिंग, लद्दाख नहीं जा सके तो यहीं पर वाटर क्रॉसिंग कर लें अपनी। तो यहाँ पे काफ़ी डेवलपिंग एरिया है, आप देख सकते हैं काफ़ी डेवलप हो रहा है धीरे धीरे वाला एरिया। और आगे हम लोग की और भी साइट है, अभी आपको लेके चलेंगे वहाँ पे। सो वहाँ भी हम लोग के दो चार घर बन रहे हैं तो वहाँ भी लेके चलेंगे, पूरी सोसाइटी है वहाँ तो। और शायद इन्हीं में से इन लोग का प्लॉट होगा मेरे ख्याल से, देखते हैं अभी। सो ये है साइट, सामने से आप देख सकते हैं 20x60 feet की, जो कि ऑल टोटल होती है 1200 square feet। अब चलते हैं हम लोग दूसरी साइट पे और फिर वहाँ पे भी आपको थोड़ा बहुत दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। और ये है पूरी गेटेड सोसाइटी जो हम लोग देख रहे हैं पूरा। सो गाइज़ आप देख सकते हैं साइड विजिट हो गई है पूरी और मैं अब निकलता हूँ वापस। गर्मी बहुत तेज़ हो रही है, धूप में हालत ख़राब हो गई खड़े खड़े। सो अब निकलते हैं। अरे उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए आप, ये देखिए तार मेरा स्पीडोमीटर का कार्ड दिया इन लोगों ने, कुत्तों ने, और एकदम अलग है। अब मुझे इसको भी बनवाने जाना पड़ेगा तो मैं उसका ब्लॉग आपको बाद में दिखाऊँगा। सो दीपांशु क्या हालत हुई, गर्मी में हालत ख़राब हो गई? और दीपांशु का पसीना देख सकते हैं, इसी से आप लोग को मालूम पड़ जाएगा कितनी हालत ख़राब हो रखी है गर्मी में इस टाइम। सो सामने बन गया है, ये पूरी सोसाइटी है GID के नाम से। सो यही हम लोग की कंसल्टेंसी में काम चल रहा है पूरा प्रॉपर तरीके से। सो एक घर में इनको दिक्कत आ रही थी तो उसी के लिए हम लोग आए थे। सो अब चलते हैं वापस, फिर अब सीधे हम घर पे मिलेंगे क्योंकि हालत हो गई ख़राब गर्मी में और व्लॉगिंग करने का मन नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। सो ठीक है, चलिए बाय। सो फाइनली गाइस हम लोग ऑफिस वापस आ गए हैं। साइड पर तो आपने देखा होगा कितनी गर्मी हो रही थी, सो हालत ख़राब हो गई साइड पर आके। सो अभी हम लोग थोड़ा रेस्ट करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।